हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीटी 12th लेवल का 4 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, तो 4 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं। जो क्वेश्चन के हमें आंसर जो हमें नहीं मिले हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक और प्रदीप। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका मैथ का पूछा गया था तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन था, अहमदाबाद में खालिस्तान राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिला है। और पांचवा क्वेश्चन देखेगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है, वह है हरियाणा, सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, छठे क्वेश्चन का भी आंसर हमको नहीं मिला है फिलहाल। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को मैं अपने अगले वीडियो में करा दूंगा। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के खालिस्तान वे राज्यपाल हैं, तो ये 41वें राज्यपाल हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायी संभाला? इस क्वेश्चन का भी आंसर हमको खैर नहीं मिला है, इसको भी छोड़ते हैं। नवा क्वेश्चन था, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज, टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 और 72, इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल, इसका भी आंसर नहीं मिला है। बारहवा क्वेश्चन देखेगा, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुनैन। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल संसाधनों का विकास। इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में करा दूंगा। 14वां 15वां को भी छोड़ते हैं फिलहाल। 16वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? गोगा जी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिलो। अगला क्वेश्चन देखेगा, 18वां, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तेते पांव पसरिए जेती लौरी सौर। 19वां क्वेश्चन छोड़ते हैं, 20वां क्वेश्चन को भी हम छोड़ते हैं, 21वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। वोलोदिमिर जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, युद्ध चल रहा है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यूक्रेन, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल, इसको भी छोड़ते हैं, इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस को मैं बाद में कराने की पूरी कोशिश करूंगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 25वें का। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले से। अगला क्वेश्चन देखेगा, बृहत राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बृहत राजस्थान का राज्य प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेगा, भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था मंगोलिया में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है,
ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आप चला जाऊंगा, यानी कि मैं आप चला जाऊंगा, कोई कंफर्म नहीं है कि मैं चला जाऊंगा, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्वास स्वरूपम खालिस्तान की प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। मैंने अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था काफी बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको बाद में कराऊंगा। फिलहाल 34वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? राजा सामंत सिंह, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 35वें क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, 36वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। 37वें क्वेश्चन देखेगा, 37वां, इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ते हैं फिलहाल, 38वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, गंभीरी तथा बेडर नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला। 39वें क्वेश्चन से अगर हम बात करें तो 39वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। 40वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 40वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेगा, 41वां क्वेश्चन छोड़ते हैं, 42वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, पेन गंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? पेन गंगा गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43वां को छोड़ते हैं फिलहाल, 44वें क्वेश्चन की ओर आते हैं, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में आप लोगों को कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं फिलहाल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो 46 क्वेश्चन है कि निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिलान कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा, 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20। 48वां क्वेश्चन देखेगा, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृतज्ञ कृतघ्न। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुरुभि सुरुभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गंध गाय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा प्रदेश सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, BWHW। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, सुगल 51 क्वेश्चन देखेगा, मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था 1977 से 78 के बीच में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंद पचा किस माह में लगता है? तो ये लगता है कार्तिक माह में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिलहाल हम छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर आते हैं 55 के पास सीधे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रतियुक्त है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सजावट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान 1 छोड़ा था? किस वर्ष में छोड़ा था? ये छोड़ा था 2009 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 59, 59, 60 और 61, ये सभी क्वेश्चन फिलहाल हम छोड़ते हैं, इन क्वेश्चंस को मैं अपने अगले वीडियो में करा दूंगा। काफी कोशिश की इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को पता करने के, लेकिन क्वेश्चन के आंसर खुद नहीं मिल पाए। वर्तमान में राजस्थान में 4 नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन देखेगा, 63 क्वेश्चन है गाइस, कि 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल संस्वेर पुल ढह गया, यह किस नदी पर बनाया गया था? तो ये मच्छू नदी पर बनाया गया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 क्वेश्चन देखेगा, 64 क्वेश्चन का आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन वी, समांतर। 65 क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय
आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया। अलवर, टी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहां पर स्थित है? ये पाली में स्थित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन छोड़ते हैं, 68 पर आते हैं हम सीधे। 68, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? वह रात भर नहीं सोए, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, 69, 70, 71, इन सभी क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। 72 का आंसर देख लीजिए, 30 आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है आपका, रेशियो का। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, 73, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना दोनों। मालपुरा करौली मैदान भाग है, तो मालपुरा करौली भाग है ये बनास बेसिन का, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 के बाद 75, 76, 77 तक हम लोग इस सभी को छोड़ते हैं, अगले वीडियो में करा दूंगा मैं आप लोगों को। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 4 बार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? एबी प्लस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 80, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पादप लक्ष्य से। 81 की अगर हम बात करें, यह आपका चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 का, 82 छोड़ते हैं फिलहाल, 83, 84, 85 तक, 86 पर आते हैं सीधा हम लोग। देखिए, जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उनको मैं बाद में करा दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 87, 88, ये भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के आंसर खैर तो नहीं मिले हैं। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण खालिस्तान किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, अगर गलत भी बताता हूँ तो भी अच्छी बात नहीं है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आंसर जिनके नहीं मिले हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ। इसीलिए राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में कराया था, अगर आप लोग रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा। 8वीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 93 को छोड़ते हैं फिलहाल, इस समय हम आते हैं 94 पर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? गणेश्वर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो भारत में बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ की गई। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं फिलहाल, इसको मैं बाद में देखूंगा। आते हैं 98 पर, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2%। 99 की बात करें, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि उनके अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? नागौर जिले में रैबासा झील जो है वो स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिला देवी का जो मंदिर है किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का जो मंदिर है ये आमेर किले में अवस्थित, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अरावली की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? अरावली की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है शेरगढ़ चोटी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 103, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? 1973 में सृजित हुआ था। 104 छोड़ते हैं, 105 पे आते हैं हम सीधे। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जस्ते से बना पानी का पात्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 107 पे आते हैं फिलहाल, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रच आयोग का गठन किया गया था? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेगू आंदोलन। 108 की अगर हम बात करें,
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 108 क्वेश्चन का आंसर। और 109 की अगर हम बात करें, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 110, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 111, 112, 113, 114, इतने हमको छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि हम इनके तो आंसर मिले नहीं है हमें, 115 पे आते हैं हम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6/5। अगला क्वेश्चन देखेगा, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती बोली बोली जाती है। 117 की अगर हम बात करें तो 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 798। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है भाई, 11,283, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 119वां को हम छोड़ते हैं फिलहाल, 120 को भी छोड़ते हैं, अब सीधे हम आते हैं 121 पे। प्रभा ने पद्मभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहां बहु उत्पाद सेज स्थापित किया, जयपुर में स्थापित किया है। 123 क्वेश्चन छोड़ते हैं, आते हैं 124 पर सीधे हम। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान में के स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6.04। 125 छोड़ते हैं, 126 को भी हम छोड़ते हैं फिलहाल, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 127 पे सीधे आते हैं, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 154 सेमी। अगला क्वेश्चन देखेगा 128वां, इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल हम, अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 31 अक्टूबर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तम श्रेणी का कोयला है, उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रासाइट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोटरी जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है, अनुराधा जागोर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की मेरी भी कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बाकिया। घुड़सवार शब्द में समास है, घुड़सवार में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। बीकानेर जिला में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम भाई क्या है, कोई नदी नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राज्य सरकार को। 136 को हम छोड़ते हैं, 137 को भी छोड़ते हैं, 138 पे सीधा हम पहुंचते हैं, 138 पे आते हैं सीधे। तारकासी के आभूषण जेवर किस स्थान के लिए प्रसिद्ध हैं, नाथ द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2022 के अनुसार, 18 दिसंबर 2022 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 140 से सीधा आते हैं, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, जसनाती सिद्ध संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 143 पे सीधा आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में अनुमोदित किए गए थे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी हीरालाल शास्त्री आंसर सही हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्मारक कहते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सीधा आते हैं 146 पे, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 147वां, राजस्थान के हेमांग जायसवाल के खिलाड़ी हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जूडो के। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं उनको मिला लीजिए, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं अपने अगले वीडियो में कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।